हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू कीप स्माइलिंग पर। साथियों, आज इस वीडियो में क्लास 12th शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर फर्स्ट द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी या सुनहरी घड़ी, जिसके लेखक पांजिकरा रैफे जी हैं। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। एक बहुत ही गरीब वर्ग का मजदूर जिसका नाम शंकु था, बहुत ही गरीब था, उसी की समस्याओं के विषय में इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया है। तो आइए इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट पिछली कई रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात को भी शंकु सो नहीं सका, यानी पिछले कई रातों की तरह उस रात को भी, जिस रात की ये बात चल रही है उस रात को भी सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न्ड मीन्स मुड़ता रहा, घूमता रहा, एंड टॉस्ड और करवटें बदलता रहा, इन हिज बेड अपने बिस्तर पर। वह अपने बिस्तर पर इधर उधर मुड़ता रहा और करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इन करवटें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थाट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में, एंड येट ही कुड सी, और फिर भी वह देख सकता था, इट एज क्लियरली, इतना स्पष्ट रूप से, एज ड्यूरिंग द डे, जितना वह दिन में देखता था एकदम उतना ही स्पष्ट उस रात में भी वह देख सकता था। अब क्या देख सकता था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उस सुनसान कार्यालय का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, व्हेन जब सभी लोग बाहर गए हुए थे, फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, और फॉर लंच या फिर दोपहर का भोजन करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, शीशे की जो खिड़की थी वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, यानी आधी खुली थी और आधी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक किनारे पर, वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी थी। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर, ए पेन, एक कलम रखा था, एंड इंक बॉटल, एक स्याही की दवात रखी थी, शीशी रखी थी, एंड सो फॉर्थ, और कुछ अन्य वस्तुएं रखी थी। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और इसके बीचों बीच में एक पुस्तक रखी थी, जिस पुस्तक के ऊपर एक सोने की चेन वाली घड़ी रखी थी। ओपन द विंडो, यानी खिड़की खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपने हाथ को लगभग एक फुट अंदर बढ़ाइए, एंड यू कैन पिक इट अप, और बड़े ही आसानी से उस घड़ी को उठा सकते हो। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, और सभी लोग भोजन करने के लिए बाहर गए हुए हैं। नो बडी विल नो, कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाएगा, ना ही देख पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, अब पिछले कई दिनों से शंकु ने घड़ी चुराने के जो प्रयास किए थे वो प्रयास उसको बार बार याद आ रहे थे। हिज कवर्डाइस, उसकी कायरता, एंड हिज वैसलेशन, वैसलेशन मीन्स हिचकिचाहट, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से उसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट के जो प्रयास थे वो उसको बार बार याद आ रहे थे। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम,
ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था एनीवन किसी को भी देयर वहाँ एट दैट टाइम, उस समय यानी उस समय उसने कभी भी किसी को वहाँ नहीं देखा था। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन एफ्रेड, वह डरता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और अपने आप को निर्जीव महसूस करता था। दैट वॉज व्हाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था जिससे वह घड़ी को उठाने में बार बार रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, यानी वह और अधिक देर तक यदि ऐसा कुछ सोचता, इफ ही थाट एनी फर्दर, यानी और कुछ थोड़ी देर तक आगे सोचता, तो इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ही माइट इवन, यानी वो बोल सकता था, ब्लर्ट मूर्खतापूर्ण, आउट हिज इंटेंशन, अपने इरादे को, यानी जो इरादा उसका था उस इरादे को वह तेज़ी से बोल भी सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, वो कह रहा है अतः इस घड़ी को मैं कल अवश्य उठा लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए उसने घड़ी नहीं उठाई तब क्या होगा। संकुच थाट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, यानी शंकु के जो विचार थे वो उसके कष्ट भरे या दुख भरे जीवन के आसपास आकर रुकने लगे थे, ठहरने लगे थे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनादर थ्री डेज, अगले तीन दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे उसकी सैलरी या वेतन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 13 rupees फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए उसे 13 rupees मिल जाएंगे। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर, उसे 4.50 rupees अर्थात 4.5 rupees उसे एक किराने वाले दुकानदार को अदा करने हैं। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, तब उसके पास 8.50 rupees यानी 8.5 rupees उसके पास बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of the 10 rupees ही हैड बारोड फ्राम द फंड, और जो उसने कर्मचारी निधि से 10 rupees का कर्ज लिया था उसके 5 rupees उसने अदा कर दिए थे और 5 rupees अभी भी बाकी थे। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और ये 10 rupees का कर्ज जो उसने लिया था वो पिछले महीने जब अपनी माँ की वर्षगांठ अर्थात बरसी जिसको कहा जाता है डेथ एनिवर्सरी पर गया था। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट, फिर वो कह रहा कि नहीं, मैं सबसे पहले जो 5 rupees निधि के बाकी हैं उसको मैं ब्याज सहित अदा करूँगा। ब्याज कितना था? इंटरेस्ट एट 6 paisa a rupee a week, यानी 1 rupee का एक सप्ताह में 6 paise का ब्याज होता था। एट द टी शॉप, और चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks, यानी 2 सप्ताह से लगभग उसके 3 rupees से ऊपर हो चुके थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, यानी 1.5 rupees उसका जो था वो पिछला था, उस 1.5 rupees पिछले के अतिरिक्त इस बार भी 2 सप्ताह से 3 rupees से ज़्यादा का कर्ज हो गया था। ही ओड 6 rupees टू अली, उसने 6 rupees
अली से भी ले रखे थे। फार सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड़ीज एंड अदर ओट्स एंड इंड्स, यानी अतिरिक्त चावल बीड़ी और अन्य छोटे छोटे खर्चों के लिए उसने अली से भी 6 रुपये ले रखे थे। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 rupees और 1 महीने का घर का किराया भी 3 रुपये बाकी था। इन एडिशन टू दीज सम्स, यानी इन सभी खर्चों का योग जोड़कर ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 paise, 25 paise एंड 50 paise फ्राम सेवरल पीपल, यानी इन खर्चों के अतिरिक्त, इन कर्जों के अतिरिक्त उसने छोटे छोटे ऋण भी कई लोगों से ले रखे थे, जिसमें एक के 12 paise थे, एक के 25 paise थे और एक के 50 paise थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वोमेन, कि 1 रुपया उस मछली वाली औरत को भी अदा करना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने इन सभी खर्चों को, जितने रुपए की आवश्यकता थी उन सबको अपने मन ही मन में जोड़ लिया, यानी उन सभी खर्चों का योग किया। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट एंड ए हाफ रुपी, और उसे जो मिलने वाला था वेतन के रूप में, जो मिलने वाले थे वो केवल 8.5 rupees थे। व्हाट ही ओड वाज 22 rupees 13 paise, और जितने का उस पर कर्ज था वो रुपए थे 22 rupees 13 paise। ही हैड अदर नीड्स टू, और इन सभी के अतिरिक्त उसकी और भी कुछ आवश्यकताएं थीं। ही हैड बारोड 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपए अपनी पत्नी से भी उधार ले रखे थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यानी ये जो 3 रुपए थे ये उन खर्चों को योग से अलग थे। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, उसने धीरे धीरे जैसे तैसे इन रुपयों को बचाया था। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे वाले बच्चे को कर्धनी खरीदने के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और शंकु ने जब उससे रुपए लिए थे तो उससे वादा किया था कि अगले महीने जब मुझे वेतन मिलेगा तो मैं ये रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा, जिससे कर्धनी खरीद लेना। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु के दिल की जो धड़कने थी वो अनियंत्रित होकर के बहुत तेज धड़क रही थी। थ्रो हिज हार्ट बीट्स, उसके हृदय की धड़कनों से ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचिंदी, और जो उसके धड़कनों से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को वो सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि चाय की दुकान का मालिक जो कोचिन्नी था वो बहुत ही कठोर भाषा में उससे बोल रहा है। अलीज हालो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स और अपशब्द, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड, और उस निधि का जो इंचार्ज था लोनप्पो, उसकी चिड़चिड़ेपन की बातें, ये सभी चीज़ें शंकु के हृदय की गति से सुनी जा सकती थी, यानी जो हृदय की धड़कने थी उनसे आवाज़ आ रही थी, तो इन सभी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी। ही फेल्ट, शंकु ने महसूस किया दैट कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रावड़ी बॉयज, एक असभ्य लड़के की तरह सभी लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। आर्म्ड विथ स्टिक्स यानी हाथों में लाठियां और डंडे लिए हुए, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, एक आवारे कुत्ते पर, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं एक आवारा कुत्ता हूँ और ये सब असभ्य लड़के की तरह ये सभी लोग मुझे घेरे हुए थे।
व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु जब इसको सहन ना कर सका। शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, तब शंकु अपने पेट के बल घूम गया, लेट गया एंड थॉट, और सोचने लगा। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, कहा कि इस घड़ी को कल चुराने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, कहा कि इस घड़ी से क्या मुझे 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे। इवन 15 विल डू, फिर सोचता है कि कम से कम 15 रुपये तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, दैट इज 23.5 रुपीज, तो कहा कि 15 + 8 यानी 15 रुपये जो घड़ी से मिलेंगे और 8.5 रुपये उसे वेतन का मिलेंगे, तो ये जोड़ करके 23 यानी 23.50 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, कहा कि ये 15 रुपये से ज़्यादा हो जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, कहा इससे मैं अपने सभी कर्ज चुका दूंगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से अपना जीवन बिताऊंगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और मेरा जीवन जो होगा वो सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त होगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और इतना सोचने के बाद उसने थोड़ा आराम महसूस किया, चैन महसूस किया, और वह सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, फिर सवेरा हो गया। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, संकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, जब सवेरा हो गया तो शंकु की पत्नी ने शंकु का कंधा धीमे से हिलाते हुए कहा, व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या आप अभी सो रहे हो। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य को निकले हुए बहुत देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने उस छोटे वाले बच्चे को उठा लिया। हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो उसके पीछे पीछे रेंग रहा था, अर्थात पीछे पीछे धीरे धीरे खिसल रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड, शंकु ने कहा, ओ यस, अरे हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर निकला। ही स्टेप डाउन इंटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, वह जल्दी जल्दी आंगन में आया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, यानी सुबह के समय सूर्य की जो सुनहरी किरणें थीं, पियर्सिंग जो छेद रही थी या भेद रही थी द लस बम्बू फॉलिज, और उन बाँस के छोटे छोटे जो दरारें होती हैं उनमें से, यानी बाँस के छोटे छोटे दरारों से सूर्य की सुनहरी किरणें जो भेदते हुए अंदर आ रही थीं उसको देखते हुए। ऑन द ईस्टर्न साइड, पश्चिमी दिशा में, एंड ब्राइटनिंग, और चमक द ओल्ड पाम लीफ थैच, जो ताड़ के पत्तों का छप्पर या टटिया रखी हुई थी उसमें से भी सूर्य की सुनहरी किरणें अंदर आ रही थी। इन किरणों को देखते हुए वह जल्दी जल्दी आंगन में गया। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, अर्थात मुंह धोया। एंड हैंड्स एज यूजुअल, और हाथ भी धोए, एज यूजुअल यानी पहले की तरह, रोज की तरह उसने अपना मुंह धोया और हाथ धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने काम वाले कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी बोल पड़ी, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम आयंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए शाम को एक मलहम अवश्य लाना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, और उसने शंकु के ऊपर एक आदेश देने वाली नज़र डाली। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया दैट ईच ऑफ द सोल्स
on the child's festering body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने महसूस किया कि उस बच्चे के शरीर पर जो घाव थे वे सभी घाव शंकु के ऊपर देख रहे हैं, यानी शंकु के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। ए मूवमेंट पास्ड इन साइलेंट, यानी शांत से ही या चुप्पी में ही एक क्षण या पल बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने मूर्खों की तरह उससे पूछा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस लिए मलहम किस लिए चाहिए। ऑइंटमेंट फॉर द सोल्स, कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि ऑइंटमेंट फॉर द सोल्स, यानी बच्चे के घाव के लिए मलहम लाना है। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोल्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, आपका मतलब है कि इस बच्चे के पूरे शरीर पर घाव हैं, फोड़े फुंसी हैं, क्या तुमने इसको अभी तक नहीं देखा है। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, फिर शंकु ने कहा हाँ, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, यानी कितने रुपए का मलहम लाना है। एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कहा कि कम से कम 13 पैसे की कीमत वाला मलहम लाना है। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, क्योंकि कम से कम 3 दिन तक इस मलहम को उसके शरीर पर लगाना होगा। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु ने अपना सिर नीचे झुकाए झुकाए बाहर निकलने की कोशिश की। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, तभी शंकु की पत्नी ने बड़ी ही मासूम आवाज़ में कहा, प्लीज, कृपया। शंकु लुक्ड बैक, जब उसने प्लीज कहा तो शंकु ने पीछे मुड़कर देखा। शी स्पोक जेंटली, वह बहुत ही मासूमियत से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, कि शाम को जब वापस आना तो 2 पके हुए केले लेके आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, क्योंकि रात में जब बच्चा रोता है, एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं होता है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, शी स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ी रही, पुलिंग अप यानी खींचा अप, यानी थोड़ा ऊपर की ओर खींचा, हर ब्लाउज यानी अपने ब्लाउज को, विथ हर लेफ्ट हैंड अपने बाएँ हाथ से। शंकु की पत्नी वहीं पर खड़े खड़े अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खिसकाया। देन शंकु नोटिस्ड हर बेल्ली, तब शंकु ने ध्यान दिया कि उसका पेट बल्गिंग आउट, बाहर की ओर निकल रहा है। वाज गेट अनादर बर्डन ऑन द वे, शंकु वाज स्टंड, शंकु भौचक्का रह गया उस पेट को देखकर। उसने कहा कि क्या एक और बोझ अर्थात और जिम्मेदारी आने वाली है, रास्ते में है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को श्राप दिया। एंड विथ ए डीप साई, बहुत गहरी सांस लेकर के, बहुत गहरी आह भर करके, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, उसके बाद वह अपने फैक्ट्री की ओर चल दिया। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, मत भूलना, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने फिर उसे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने अपना सिर हिलाया, एंड वॉकड ऑन, और बाहर चला गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे जब मध्याह्न अवकाश के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, और सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़े, होटल्स या फिर होटल की ओर चल पड़े। आर टी शॉप्स फॉर लंच, यानी भोजन करने के लिए कुछ लोग घर की ओर, कुछ लोग होटल की ओर, और कुछ लोग चाय की दुकान की ओर चल पड़े। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनी वेयर, शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने घर नहीं गया था, कहीं नहीं गया था। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, अगेंस्ट मीन्स पीछे, ए पिलर एक स्तंभ के या पावा के, इन ए कॉर्नर एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के
पश्चिमी दिशा में एक पिलर के सहारे यानी पिलर के पीछे शंकु खड़ा हुआ। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंस, उसका हृदय अधैर्यता के कारण बहुत तेजी से धड़क रहा था, यानी वो बहुत हड़बड़ा रहा था, हिचकिचाहट में था। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ समय बीत गया। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आई, और एक इंजीनियर यानी अभियंता, ए शॉर्ट यानी जो कि कम लंबा था, ठिगना था, फैट और मोटा भी था, इंग्लिश मैन अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आई, जिसकी आँखें बिल्ली की तरह थीं, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो देखने में एकदम संगमरमर की मूर्ति के समान था, गॉट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर आया, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया, एंड लेफ्ट, और बाहर चला गया, एज यूजुअल, रोज़ की तरह। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, यानी रोज़ की तरह आज भी उसकी कलाई में वो घड़ी बंधी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, तो शंकु के हृदय ने यानी चैन से, आराम से थोड़ी ठंडक महसूस की। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ पल और व्यतीत हुए। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, उसकी नज़र में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, वह कार्यालय की तरफ गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टियली क्लोज्ड, और रोज़ की तरह जो कांच वाली खिड़की थी वो आधी खुली और आधी बंद थी। द गोल्ड वाच वाज ऑन द टेबल, और वो सोने की घड़ी भी उसी मेज पर रखी थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितनी चमक रही थी, कितनी चमकदार थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, शंकु के दिल की धड़कने और तेज हो गईं। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, जो अंग्रेज व्यक्ति था वो भोजन करने के बाद वापस आ जाएगा। एंड हिज सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock, और वो जो आराम करेगा खाना खाने के बाद आराम करेगा वो 4 बजे तक करेगा। ए गुड अपॉर्चुनिटी, कहा कि यह बहुत बढ़िया अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, उस समय वहाँ पर कोई नहीं होगा। 1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 minutes बीत गए। सडनली शंकु थॉट्स, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज समवन सीज मी, कि मान लो यदि किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, यानी जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, लेकिन डर ने उसे आगे ढकेल दिया, बढ़ा दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा। बट सा नो वन, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं दिखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, यानी बहुत तेज आवश्यकता के कारण या बहुत तेज ज़रूरत से मजबूर होकर वह जल्दी जल्दी कमरे की ओर आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने एक बार चारों तरफ देखा। नो बडी वाज देयर, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रो हिज वेंस, ए शडर पास्ड थ्रो हिज वेंस, यानी उसकी नसों में बिजली जैसी चौंक गई, तड़क गई, पूरा उसका शरीर जो था वो सिहर गया, अर्थात उसके पूरे शरीर के जो बाल थे, रोएं थे, वो खड़े हो गए। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय और तेज़ी से धड़कने लगा। वन सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया। एंड द गोल्ड वॉच वॉच इन इट, और वो सोने की घड़ी इस शंकु के हाथ में आ चुकी थी। नर्वसली यानी घबराते हुए या परेशान होते हुए, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी
आँखों ने फिर एक बार इधर उधर देखा, छानबीन की। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग यानी काँपते हुए, ही पुट द वाच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने उस घड़ी को अपने पायजामे या पैंट की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस को रोका। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 steps, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे घूमकर देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्वाइटली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब शंकु ने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी ईस्टर्न कॉरिडोर यानी पूर्वी दिशा में जा रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, शंकु ने सोचा कि स्पष्ट रूप से वह आदमी टाइम कीपर की तरफ जा रहा है, यानी टाइम कीपर्स जो ऑफिस का कार्यालय का टाइम कीपर है उसके पास जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ अवश्य देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह बहुत जल्दी जल्दी जो वॉचमैन यानी द्वार पर जो बैठते हैं, द्वार रक्षक जो बैठते हैं दरवाजे पर, तो उनको सूचना देने के लिए वह जल्दी जल्दी जा रहा था। ओह गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु वहाँ पर एक मूर्ति की तरह, एक स्तंभ की तरह खड़ा था और ये सोच रहा था कि क्या हैड ही बंगल्ड, उसने कोई अपराध कर दिया, उसने क्या बाउंडर कर दिया है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, अब जो घड़ी उसकी जेब में जो रखी थी वो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को जला रही है। इट सेंट स्पार्क्स एलॉन्ग हिज नर्वस, इट सेंट स्पार्क्स यानी ये चिंगारी भेज रही थी एलॉन्ग हिज नर्वस, उसकी व्याकुलता और परेशानी पर। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, और ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार उसके सामने तेज लपटों से या तेज ज्वालाओं से जलता हुआ घूम रहा है। फ्लेम्स एरोज फ्राम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी बालू के अर्थात मिट्टी के कण कण से आग की ज्वालाएं निकल रही थी, उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी छाया और ठंड का पता नहीं था। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था, बर्निंग बर्निंग सिर्फ जल रहा था और जल रहा था। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तभी आवाज़ आई, शंकु भाई व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ पर एक स्तंभ की भांति, मूर्ति के भांति क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार्ट, तो शंकु जब पीछे मुड़ा एंड सा तो उसने देखा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, कि माधवन नाम का व्यक्ति उसके पास खड़ा है। शंकु स्टर्म्ड आउट, और शंकु ने कहा, हड़बड़ाते हुए कहा, नो नहीं, रीजन कोई बात नहीं, फॉर नथिंग, बस ऐसे ही खड़े हैं। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन ने हंसते हुए कहा, गो ऑन माई लायर, झूठे कहीं के। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, कहा कि वह आदमी जरूर गया होगा टाइम कीपर के पास और मेरी चोरी के विषय में उसे सूचना दे दी होगी। माई गॉड, हे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, सभी लोग अब इस बात को जान जाएंगे। ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, कहा कि उस फैक्ट्री में जो 800 कर्मचारी हैं वे सभी शोर करते हुए मुझे चारों ओर से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वे सब लोग मुझे घड़ा की दृष्टि से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिशन, और वो सब मुझे
कहेंगे, अपशब्द कहेंगे और चोर की उपमा दे देंगे। वे सभी लोग मुझे चिढ़ाएंगे और चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बास। उसके बाद मुझे उस गोरे अधिकारी के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमाइंडेड, और मुझे बहुत डांट फटकार मिलेगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। कहा कि वह गोरा अधिकारी मेरी ओर कितनी ही क्रूरता की दृष्टि से देखेगा। शंकु वुड सियोरली बी डिसमिस्ड, और कहा कि शंकु को नौकरी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वैकी उसका एक मित्र था शंकु का, वाज डिसमिस्ड, जिसे निकाल दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, यानी उसने एक बार सिर्फ एक पुराना छाता चुरा लिया था जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हर्ट, यानी एक ठंडा भय शंकु के हृदय में समा गया। व्हिच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, और उसका जो हृदय था वो इस प्रकार के कमज़ोर विचारों के कारण बार बार घुट रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, और कहा कि गार्ड टाइम कीपर कमरे की तरफ, जो प्रवेश का स्थान है वहाँ पर खड़े उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, और वो गार्ड शंकु को पकड़ लेगा। नो, नहीं, दैट वे ले डेंजर, यह रास्ता खतरनाक है, यानी यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, शंकु ने सोचा कि मैं इस घड़ी को वापस उसी स्थान पर रख दूंगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, यानी एक आग का दहकता हुआ अंगारा उसे जला रहा था। बट देन, लेकिन तभी, ओह नो, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, कहा, अरे नहीं, ऑन द सेकेंड थाट्स, यानी दूसरा विचार उसके मन में तुरंत आया। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फिर उसने अंत में यह निर्णय कर लिया कि ही वाज एट द ऑफिस रूम, और वह तुरंत कार्यालय के कमरे में पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, यानी आसपास कतई कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्वाइकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, शंकु ने तुरंत अपनी जेब से उस घड़ी को निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, और उसके हाथ पेड़ की पत्ती की तरह कांप रहे थे, हिल रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम, तभी उसे अपने घर की याद आई। एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और उसके जो बिना चुकाए हुए कर्ज थे वह भी याद आए। व्हाट वाज टू बी डन, कहा कि अब क्या होगा या अब क्या करना चाहिए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, क्या किया जाना चाहिए। शंकु को लगा कि उसका दम घुट रहा है, यानी शंकु को फिर महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, तभी उसके पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई व्यक्ति वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उस घड़ी को शंकु ने मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और निर्जीव जैसा महसूस करते हुए वह वहाँ से घर की ओर चला गया।